हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ चावल के फ्रियोम्स, जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं उससे बेटर आपको घर में बिना मिलावट के सही चीज़ मिल जाएगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले कच्चे चावल को 3 से 4 घंटे तक भिगो के रखी थी। उसको पानी से छान कर निकाल लेंगे और उसको मिक्सी जार में महीन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो एक कटोरी मैंने चावल लिया था। तो उसके बाद जब ये पेस्ट तैयार हो जाएगी तो मैं कढ़ाई, एक मोटी तली का कढ़ाई ले लूँगी और उसमें वो चावल एक कटोरी जो मैंने पीसा था वो डाल देंगे और एक कटोरी के बराबर ही पानी डाल के उसको अच्छे से पहले मिला लेंगे, ताकि जो गुठलियाँ हैं वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए और पतला सा बैटर बन जाए। जब ये अच्छा सा बैटर बन जाए, एकदम गुठली ना रहे, तो जितना हमने चावल लिया है उसका 5 गुना इसमें पानी डाल देंगे। जैसे हमने एक कटोरी चावल लिया है तो उसी कटोरी से 5 कटोरी पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपके पास पापड़ खाद है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास नहीं था तो मैं बेकिंग सोडा ही डाल रही हूँ। और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके चलाते रहेंगे जब तक कि इसका गाढ़ा बैटर ना हो जाए। देखिए थोड़ा धीरे धीरे गिर रहा है। तो हमारा ये बैटर तैयार है। गैस बंद कर देंगे और इसको चलाते ही रहेंगे, नहीं तो ऊपर पपड़िया बन जाएगी और इसे गुठलियाँ बन जाएगी। तो चलाते रहेंगे, जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो हम कोई भी पैकेट ले लेंगे। आप दूध का भी पैकेट ले सकते हैं, कोई भी घर में किसी तरह का ही पैकेट हो ले सकते हैं। उसमें बैटर डाल के ऊपर से मोड़ देंगे और नीचे कैंची से छोटा सा छेद बना लेंगे ताकि उसे हम डिज़ाइन बना सकें। तो मैंने नीचे से छोटा सा छेद कर लिया। देखिए इस तरह से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। आप गोल करके भी डिज़ाइन बना सकते हैं या स्क्वायर शेप देकर भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो जिस तरह आपकी इच्छा उस तरह आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक प्लास्टिक की पर ये सारे डिज़ाइन बना लिया है। अब इसको धूप में सूखने देंगे। जब ये 80% तक सूख जाएगी तो इसे थोड़ा सा उलट पुलट कर देंगे। एक दिन बाद देखिए ये हाल है। अब इसको और 3-4 दिन तक सूखने देंगे। तो 3-4 दिन सूखने के बाद ये बिल्कुल कड़कड़ी सी हो जाएगी। देखिए अब इसे तल के दिखाती हूँ। ये बहुत ही कुरकुरी सी और टेस्टी है। आप चाहे तो इसमें कुछ मसाले भी डाल के ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए ये हमारे चावल के फ्रियोम्स तैयार हैं।